हेलो जी, कैसे हो सब। तो आज हम बना रहे हैं लोनावला स्टाइल चॉकलेट आलमंड फज। अगर आप कभी लोनावला गए हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने वहाँ का फेमस चॉकलेट फज नहीं ट्राई किया हो, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन कौन वहाँ गया और कौन कौन ने वो फेमस आलमंड फज ट्राई कर रखा है। ठीक है, चलो जिसको घर पर बनाते हैं बहुत ईजिली आप बना सकते हो। 2-3 इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिएगा। बना के देखते हैं वहाँ का जैसा बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलो ट्राई करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आलमंड्स और वॉलनट्स को ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप चाहो तो वॉलनट्स को स्किप भी कर सकते हो, पर आलमंड्स जरूरी हैं। ठीक है, इनको ड्राई रोस्ट करके ना मिक्सी में घुमा डालो और ये इनका चुकड़ा चुकड़ा कर डालो। ठीक है, इसके बाद ना दूसरे पैन में लेना है, उसी पैन में भी ले सकते हो, ज़रूरी है। ठीक है, दूसरे एक और पैन में लेना है कंडेंस मिल्क, इसमें डालो थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा कोको पाउडर और इनको कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक ये ना थिक नहीं हो जाएगा मिक्सचर। ठीक है, इस बात का आपको कुक करते टाइम ध्यान रखना है कि गैस ना आपकी बिल्कुल लो हो। ठीक है, इस तरह से मिक्स करते रहो और इसको कुक कर लो। और जब आपका मिक्सचर एकदम थिक हो जाए तो इसमें डालना है वो चुकरा चुकरा किया हुआ आलमंड्स और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दो और गैस को बंद कर दो। ठीक है, और इसको सर्व कर दो प्लेट में थोड़ा सा बटर पेपर लगा के, ऊपर से थोड़ा सा और आलमंड्स का वो चुकरा चुकरा डाल के इसको सर्व कर दो। और मस्त लग रहा है ना। I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could say. क्या मस्त लग रहा है ना देखने में। बहुत मजे का है, जो एकदम ऐसा आलमंड वाला क्रंच आ रहा ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। ऐसा रुका नहीं जा रहा, बार बार खाने का मन कर रहा है। ट्राई करना, बहुत इजी सा है। मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप इसको ट्राई करो, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन है कि मैंने ये जो फज बनाया है इसमें मैंने नट्स ऐड किए हैं। ठीक है, मैंने कौन कौन से नट्स ऐड किए हैं वो मुझे कमेंट करके बताओ। देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। जो जो सही आंसर देगा उनको मैं हार्ट दूंगी, रिप्लाई करूंगी, और अगर आप सही आंसर दोगे ना तो गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आज का गिव अवे इसका रहेगा, तो जब भी इस वीडियो पर 10 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट होता है तो हम इसका गिव अवे करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट कर दो सही वाला आंसर। ओके, चलो बाय। Put our pictures on the shelf, so I'm over you.